आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार सक्रिय नजर आ रही है। वीरवार को बिलासपुर के घुमारवी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंधित ग्राम केंद्र अध्यक्षों को लेकर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दो चरण में चले इस सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर ने ग्राम केंद्र अध्यक्षों के साथ चुनावी चर्चा भी की। 2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रिपीट के सपने को पूरा करने के लिए ग्राम केंद्र अध्यक्षों को लेकर बैठकें की जा रही हैं। इसी के चलते बिलासपुर जिला के घुमारू में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंधित ग्राम केंद्र अध्यक्षों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दो चरणों में चले इस सम्मेलन के पहले चरण की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। साथ ही हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर सहित बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिलों से संबंधित भाजपा विधायक भी सम्मेलन में मौजूद रहे। वहीं दूसरे चरण की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की और ग्राम केंद्र अध्यक्षों के साथ चुनावी चर्चा भी की। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में तीनों ही जिलों से लगभग 500 ग्राम केंद्र अध्यक्ष मौजूद रहे, जिन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के साथ ही आगामी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को लेकर आयोजित कार्यक्रम और फरवरी माह में आयोजित पन्ना प्रमुखों को लेकर विशाल सम्मेलन पर चर्चा की गई, ताकि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से आगामी रूपरेखा पर चर्चा की गई, तो साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के ऊपर पूरे देश के अंदर रन फॉर यूनिटी के नाम से एक दौड़ हम हर साल करते हैं। उस दिन उनके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उस कार्यक्रम की योजना भी बनाएंगे और इसके बाद हमारे हर पार्लियामेंट के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन होंगे। हमीरपुर पार्लियामेंट के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हमारा फरवरी महीने में हमीरपुर में होगा, जिसमें 40,000 के लगभग पन्ना प्रमुख आएंगे। इन सब की तैयारी के लिए जो हम कार्यक्रम करते हैं और इस मीटिंग के माध्यम से आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की अच्छी तैयारी हो उसके ऊपर विस्तृत चर्चा सब कार्यकर्ताओं नेता लोग बैठ करके कर। ग्राम केंद्र के अध्यक्षों का आज यहाँ पर बैठक होगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर उस पर चर्चा होगी, अगली रणनीति बनेगी और 2019 में एक बार फिर चारों के चारों संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी की झोली में चारों सीटें डाले और मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब के विकास और उत्थान की सरकार देश में चली है उसको एक बार फिर दोहराया जाए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर मोदी जी का नेतृत्व। वहीं इस मौके पर ग्राम केंद्र अध्यक्ष सम्मेलन के समापन अवसर पर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र द्वारा प्रदेश के लिए मंजूर 68 नेशनल हाईवे की DPR तैयार न करने का आरोप लगाया। साथ ही ग्राम केंद्र अध्यक्षों को संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव जीतने का दावा भी किया। एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे संगठन की ग्राम केंद्र के अध्यक्ष हैं, जिनके पास 3 से 5 मतदान केंद्रों का जिम्मा होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है सारे देश में, फिर से पार्टी को जिताना है, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए निर्णय लिया गया कि पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो। सारे देश के भूतपूर्व सैनिकों को लगभग 15,500 करोड़ रुपये दिया गया है, 68 नेशनल हाईवे दिए गए हैं केंद्र की ओर से, कामन पे चल रहा है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने कोई DPR तैयार नहीं की थी, हमारी सरकार आने पर इसको तैयार किया गया है, काम को गति मिलेगी निश्चित तौर पर। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।